Good morning. I am Dr. Anupama Labhe. Welcomes you to our e-learning classes. In my today's lecture on business law, I am going to explain you the contract act. Okay, so let us start with our first. I will tell you what is contract, what is the meaning of contract, what are the contents of contract, and then we will discuss the essential elements to treat a contract as a valid contract. So let us start with the definition of contract. What is contract? A contract is an agreement. Means contract. सबसे पहले क्या है? It is an agreement. What is agreement? चलो पहले मैं आप लोगों को आपका example देके समझाती हूँ agreement क्या होता है. मैंने आपको कुछ कहा है कि क्या आप ये करोगे और आपने उसको कहा हाँ हम ये करेंगे, तो this is an agreement. यानी मैंने आपको पूछा और आपने उसके लिए आपके assent या consent दे दी, तो हम उसे कहते हैं कि agreement हो गया है, दोनों के बीच का agreement. तो जैसे agreement, every promise or a set of promise is an agreement. Every promise or a set of promise is an agreement. यानी मैंने आपको कुछ करने के लिए बोला और आपने उसके लिए मुझे हाँ बोली है, इसीलिए हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस दिया है, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट वी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट. तो बेसिक एलिमेंट टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट इज देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. चलो फिर से हम लेंगे हमारी डेफिनेशन जो है उसको कंटिन्यू करते हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. अब एनफोर्सिएबल बाय लॉ क्या होता है वो देखते हैं. एनफोर्सिएबल बाय लॉ, समझो मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट आपके इसमें एक एंटर किया हुआ है, और जो लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, लीगली बाइंडिंग नहीं यानी जैसे कि देख लिए मैंने आपको कहा कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे तो मैं आपको ये गिफ्ट देने वाली हूँ. आपने भी कहा हम अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे और हम आपसे वो गिफ्ट लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है मेरे ऊपर. मैंने ऐसे ही कह दिया है आपको कि हाँ कि इस तरह से आपको अवार्ड दिया जाएगा और आपने उसको एक्सेप्ट किया, आप अच्छे नंबर से पास हुए हैं. लेकिन एज देयर इज नो लीगल बाइंडिंग ऑन मी टू गिव यू द प्राइज, दैट्स वाई वी कैनॉट से दैट दिस एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो व्हाट इज एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ? जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी ने कहा हुआ है, यूनिवर्सिटी की अपनी एक लीगल आइडेंटिटी है, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि इतने नंबर लाने वाले के लिए इतने प्राइस है, उनके यहाँ पे वो लिस्ट लगी हुई है कि ये समझ लीजिए एक अकाउंट्स सब्जेक्ट है, अकाउंट्स में जो टॉपर होगा उसे गोल्ड मेडल दिया जाएगा, ऐसे यूनिवर्सिटी ने ही डिक्लेयर किया हुआ है. यूनिवर्सिटी की अपनी एक लीगल आइडेंटिटी है, उन्होंने इस तरह से अवार्ड को क्या किया है, डिक्लेयर किया हुआ है, और आपने हाईएस्ट नंबर्स जो है वो स्कोर किए हुए हैं, और उसके बावजूद अब यूनिवर्सिटी डिनाई कर रही है टू गिव यू दैट प्राइज. तो नाउ यू कैन सू द यूनिवर्सिटी एंड यू कैन क्लेम फॉर योर प्राइज. व्हाई हियर यू कैन क्लेम फॉर योर प्राइज? बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट इफ द स्टूडेंट गेट हाईएस्ट मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट then that student will be awarded by gold medal. बराबर है, ये उन्होंने पहले डिक्लेयर किया हुआ है, उसे सभी ने एक्सेप्ट किया हुआ है, और यहाँ पे उनके ऊपर लीगल बाइंडिंग आ जाती है टू गिव द स्टूडेंट दैट पर्टिकुलर प्राइज, और यू मे से दैट गोल्ड मेडल. ठीक है, तो ये अभी हम लोग इसे क्या कहेंगे, देर इज एन एग्रीमेंट. ठीक है, एंड विच इज बाइंडिंग बाय द लॉ. फिर देखिए, फिर से हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को कंटिन्यू करेंगे. एनफोर्सेबल बाय लॉ, मेड बिटवीन एटलीस्ट टू पार्टीज. यानी कितने पार्टीज ने उसे, कितने पार्टीज होने चाहिए इसके लिए? एटलीस्ट टू पार्टीज. एटलीस्ट टू पार्टीज देने क्या होता है, मैं खुद अपने आप के साथ कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, मैं खुद को लीगली बाइंडिंग नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने अपने आप को कहा कि आज आपने ये काम कर दिया तो आपको मैं ये गिफ्ट देने वाली हूँ. मैंने खुद को ही बोल दिया कि अगर मैं इस तरह से कुछ करती हूँ तो मैं अपने आप को इस तरह से गिफ्ट देने वाली हूँ. अब मैंने नहीं दिया तो क्या मैं मेरे अगेंस्ट में, खुद के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं. तो क्या होना चाहिए, वहाँ पर टू पार्टीज होनी ज़रूरी है. तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ पर कहेंगे एटलीस्ट
टू पार्टीज मस्ट बी देयर टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो दो पार्टीज होगी तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फॉर्म हो सकता है. मोर देन टू पार्टीज इज एक्सेप्टेबल इन अ कॉन्ट्रैक्ट, बट एट लीस्ट टू पार्टीज हमने यहाँ पे कहा हुआ है. देन बाय विच राइट्स आर एक्वायर्ड बाय वन एंड ऑब्लिगेशंस आर क्रिएटेड ऑन द अदर. देखिए जैसे कि अभी ये एक भी पेन नहीं चल रहा है आज, चलो देखते हैं. फिर भी ये ए और ये बी पार्टीज है, ठीक है? ये पार्टीज है ए और बी, इन दोनों के बीच में एक वैलिड एग्रीमेंट जो है वो फॉर्म हुआ है. अब समझ लीजिए कि इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, तोड़ा हुआ है. इन्होंने भी प्रॉमिस दिया है, हमने देखा था ना प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, सेट ऑफ प्रॉमिसेस हुए हैं. अगर ये ए ने अगर ब्रीच कर दिया अपना प्रॉमिस, तो ये बी पार्टी जो है इट हैज़ अ राइट टू स्यू द पार्टी. इसे क्या मिल गया है, राइट मिल गया है. और इसका क्या क्रिएट हुआ है, ऑब्लिगेशन. इनका क्रिएट हुआ है ऑब्लिगेशन. अब ये जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है, यानी ही क्या है, इन्हें अपना प्रॉमिस जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा. अगर ये प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते हैं, तो ये जो बी पार्टी है इनके ऊपर केस फाइल करेगी और कोर्ट के थ्रू इनसे उनका प्रॉमिस जो है वो फुलफिल करवाएगी, ठीक है? अगर नहीं हो रहा है तो कंपनसेशन, उन्हें जो लॉस हुआ है, इनकर हुआ है, वो कंपनसेट इनसे करेगी. वैसे ही अगर ये बी पार्टी है, इफ बी पार्टी ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीचेस इट्स प्रॉमिस, देन ए पार्टी हैज अ राइट. यानी क्या है, सिर्फ एक ही पार्टी को नहीं मिलता है, तो कौन सी पार्टी को राइट्स मिलते हैं, राइट्स उस पार्टी को मिलते हैं जिन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया है, और ऑब्लिगेशंस उस पार्टी के क्रिएट होते हैं जिन्होंने अभी अपना प्रॉमिस जो है वो फुलफिल नहीं किया है. दैट्स व्हाई द सेंटेंस इज एडेड हियर दैट ऑब्लिगेशंस आर क्रिएटेड ऑन द पार्ट ऑफ अनदर. राइट्स आर एक्वायर्ड बाय वन पार्टी एंड ऑब्लिगेशंस आर क्रिएटेड ऑन द पार्ट ऑफ अनदर. इफ द पार्टी विच हैड एग्रीड टू डू समथिंग fails to do that, then the other party has a remedy. बराबर है ना? इन्होंने ब्रीच किया तो इनके पास रेमेडी क्या है, उनके अगेंस्ट में केस फाइल करें और उनको जो लॉस इनकर हुआ है उसे रिकवर करें, या तो उन्हें कंपेल करें टू फुलफिल देयर प्रॉमिस. तो इस तरह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनता है. एंड कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंशियल टू एंटर इनटू एनी बिजनेस. अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है अदर पार्टी के साथ, देन ओनली यू कैन डू योर बिजनेस. अब क्यों कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो भी खरीदना है, किसी को कुछ बेचना है. आप खुद के साथ बिजनेस कर सकते हो क्या, मैंने खुद ने बनाया और मैंने खुद ने खरीदा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है. बिजनेस का मतलब क्या है, एन एक्टिविटी विच इज़ इंटेंडेड टू अर्न द प्रॉफिट. यानी हम ऐसी एक्टिविटी को अंडरटेक कर रहे हैं जिसका इंटेंशन है टू गेट द प्रॉफिट. बराबर है? इसीलिए बिजनेस जब करते हैं तो क्या जरूरी है, टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पार्टी. एंड फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट थिंग्स यू हैव टू फॉलो, दैट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, दैट एग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल एट लॉ, एंड देयर आर एट लीस्ट थ्री पार्टीज. इफ दीज पॉइंट्स आर देयर देन वी से दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज. और तो बाकी के भी चीज़ें हैं जो हमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के पहले देखनी पड़ती है. इफ़ वी फुलफिल ऑल दिस एसेंशियल एलिमेंट्स देन वी से दैट देयर इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब वो क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है वो हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग फिर से इसे रिकैप्चर करते हैं टू गेट मोर क्लियर आइडिया अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट है. देखिए कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट. सबसे पहले तो जरूरी है यू हैव टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट किसके साथ कर कैसा होना चाहिए, एनफोर्सिएबल बाय लॉ. यानी एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसके लिए अगर कोई ब्रीच करता है तो आपको कोर्ट से उसे कंपल्शन करना करने के राइट मिलता है कि उसने उसके प्रॉमिस को फुलफिल करना है. मैं हरदम एक एग्जाम्पल देती हूँ जिसे हम लोग एग्रीमेंट जो है लेकिन जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो कैसा है वो देख लीजिए. एक ही जगह से आप आते हो,
दोनों लोग आ रहे हैं, समझ लीजिए वो अपनी गाड़ी शेयर कर रहे हैं, गाड़ी शेयर हो रही है, लेकिन समझ लीजिए किसी कारणवश जो दूसरी जो है वो उसके साथ नहीं आ पा रही है, और आपने कहा है कि नहीं आपने गाड़ी शेयर की है तो यू हैव टू पे फॉर दैट। अगर वो दूसरी पे नहीं करती है तो आप उससे के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने सिर्फ एग्रीमेंट किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया है। इन द सेम वे जिनकी गाड़ी है वो किसी कारणवश नहीं आ पा रही है तो आप उनके अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हो कि हमने तो एग्रीमेंट किया था कि रोज साथ में जाएंगे और आज आप हमें नहीं लेके जा रही है तो मैं आपके अगेंस्ट में केस फाइल करती हूँ, तो वो भी नहीं होगा क्योंकि आपने सिर्फ एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया है। अभी सेम केस को लेते हैं लेकिन थोड़ा इसमें हम लोग जो ये है उसको चेंज करते हैं। आपकी कॉलेज की एक वैन है, वैन से आपको आना जाना है, आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और आप उसके साथ आना जाना कर रहे हो, आपको कंपलसरी कॉलेज में आना ही है, अगर आप नहीं आते हो तो आपको फाइन जो है वो पे करना होगा। समझ लीजिए किसी कारणवश आपकी वैन आपको लेने के लिए नहीं पहुंच पाई, समझ लीजिए उनका टायर पंक्चर हो गया है, समझ लीजिए कि उनका जो ड्राइवर है वो बीमार पड़ गया है इसलिए वो आया नहीं है, अब क्या होगा? क्या आप उनके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हो? अगर आपको कॉलेज ने फाइन चार्ज किया है तो यस, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि आपने उनको कहा था कि हम लोग इसी के लिए आपकी वैन को हायर कर रहे हैं क्योंकि आप रेगुलरली मुझे कॉलेज में छोड़ने के लिए भी आओगे और कॉलेज से पिकअप भी करोगे। अगर आपके वजह से मुझे फ़ाइन पे करना पड़ रहा है जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है तो वो फ़ाइन आपको उनसे रिकवर करने का राइट मिलता है। तो यहाँ पे राइट किसे मिला है? आपको मिला है। किसके अगेंस्ट में मिला है? वो जो वैन के ओनर है उनके अगेंस्ट में मिला है, और जो वैन के ओनर है उनका ऑब्लिगेशन बन रहा है कि आपको वो आपका जो फाइन है वो रिकवर करके दे। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन देखा जाता है, व्हाट इज़ द इंटेंशन टू फॉर्म द एग्रीमेंट। इफ़ इंटेंशन इज टू बाइंड द पार्टीज एट द लॉ then we can say that the agreement is enforceable by law. Lekin if there is no intention of the parties to bind each other at law, then we can say that there is an agreement but it is not enforceable at law. Clear hai? बिल्कुल, मुझे लग रहा है क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो स्टार्टिंग से ही आप अपने आप को ये आदत लगा दो, जो नहीं समझ में आ रहे हैं हम तुरंत उसका डाउट जो है वो पूछेंगे। इसके लिए आपको रेगुलरली वीडियो देखने जरूरी है और पूरा का पूरा वीडियो देखना जरूरी है और अपने डाउट्स नोट डाउन करने हैं, और नोट डाउन करने के बाद हमें तुरंत पूछने हैं। आपका ग्रुप है, आपके ग्रुप में आप हम लोगों के फ़ोन नंबर से आप प्राइवेटली भी हम लोगों को मैसेज करके आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करवा सकते हैं। नहीं तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को किसी सब्जेक्ट के ऊपर या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो लाइव क्लास के लिए आप डिमांड कर सकते हो और हम लोग लाइव क्लास भी ले सकते हैं जिसमें टू वे इंटरेक्शन। चलो आगे देखते हैं, तो क्या है एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया है, एटलीस्ट टू पार्टीज, जैसे मैंने कई बार आपको कहा है कि अपने आप के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, इसलिए वी नीड टू पार्टीज टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और पार्ट ऑफ फिर क्या कहा है, टू पार्टीज बाय विच राइट्स आर एक्वायर्ड बाय वन पार्टी। राइट्स किसके मिलते हैं? जिसने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया उसको राइट्स मिलते हैं। और ऑब्लिगेशंस किसके क्रिएट होते हैं? जिसने अभी तक के अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया हुआ है। इफ़ द पार्टी विच हैज़ एग्रीड टू डू समथिंग फेल्स टू डू दैट, यानी जिसने कहा है कि प्रॉमिस दिया हुआ है, क्योंकि हमने देखा है एग्रीमेंट क्या है, इट इज़ अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, बराबर है। जिसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया है, टू डू समथिंग फेल्स टू डू दैट, देन द अदर पार्टी हैज़ रेमेडी। इसलिए हमने क्या देखा है, जिसने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया हुआ है उसे रेमेडी मिल जाती है उसके अगेंस्ट में, जिसने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम लोग और इसके एडिशनल पॉइंट्स देखते हैं, आज थोड़े बहुत देखेंगे और कल और ज़्यादा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एटलीस्ट टू पार्टीज है, और फिर फोर्थ इसमें ये है कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट।
एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. क्या होता है कॉम्पिटेंसी? चलिए आपको एक गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलानी है आरटीओ के रूल्स है. क्या रूल्स है कि आपको 18 इयर्स कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही आपको लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा. तो अब आप कॉम्पिटेंट कब हो जाते हैं आरटीओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए? व्हेन यू कंप्लीट यूअर एज ऑफ 18, बराबर है, व्हेन यू रीचेस द एज ऑफ मेजॉरिटी. जब आप मेजर हो जाते हैं, भारत में कहा जाता है व्हेन अ पर्सन अटेन्स हिज एज ऑफ 18 देन ही विल बी ट्रीटेड एज अ मेजर पर्सन. तो ये जब मेजर मेजॉरिटी को आप अटेन करते हो, मेजर जब हो जाते हैं, देन ओनली यू कैन एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है. तो ये है, इसे कहते हैं कि ए कॉम्पिटेंसी ऑन द बेसिस ऑफ एज. जैसे क्या हो गया, उसका एज अगर है तो वी कैन से दैट ही इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट. माइनर पर्सन्स आर नॉट अलाउड एट एनी कॉस्ट टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट. देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. तो एज एक फैक्टर रखता है, साउंड माइंड है. व्हाट इज साउंड माइंड? जैसे पागल नहीं होना चाहिए. साउंड माइंड का एक सिंपल सा ये है मीनिंग है कि वो पागल नहीं होना चाहिए. पागल यानी क्या है? पत्थर न मारने वाला पागल होता है, आते जाते लोगों को मारने वाला चिढ़ाने वाला पागल होता है. पागल वो पर्सन है जिसे समझ में नहीं आता है कि उसके लिए सही क्या है और उसके लिए गलत क्या है. यानी द पर्सन हु कैन नॉट डिफ्रेंशिएट व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर हिमसेल्फ, देन वी ट्रीट दैट पर्सन एज ऑफ अनसाउंड माइंड. समझ में आया? जिसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है वो नहीं जान सकता, तो देन वी से दैट ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड. ये कॉम्पिटेंसी भी हमने ये एज के ऊपर इसीलिए रखी है कि यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जब तक कि वो माइनर रहता है तब ही तब तक के ही कैन नॉट टेक हिज ओन डिसीजन. यानी वो अपने डिसीजन नहीं ले सकता है कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है. इसलिए आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं तो अभी बच्चा है तुम्हें मालूम नहीं है, हमने बहुत से दिन देखे हुए हैं, बहुत से इससे हम लोग गुजरे हुए हैं, हमें मालूम है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, अभी तुम्हें ये समझ नहीं है. फिर जैसे वो 18 ईयर्स का हो जाता है तो ये समझा जाता है कि हाँ उससे भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस आ गए हैं और वो इस लायक हो गया है कि वो अपने लिए क्या अच्छा है और अपने लिए क्या बुरा है वो सोच सके. इसलिए हमारे यहाँ पे देखो सर, जैसे कि है 10th तक के लिए, 10th तक के आपको एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं कि आपको पढ़ना ही है. फिर आप बाद में ये सोचते हो कि हाँ मुझे किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है किस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, फिर आप साइंस ले लेते हो या कॉमर्स के लिए आ जाते हो या आर्ट्स के लिए, जो भी आपकी पसंदीदा चीज़ होगी वो. समझ लीजिए आपने साइंस ले लिया है, अब आपके पेरेंट्स आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि अब तुम्हें आगे क्या पढ़ना है. वहाँ पे वो आपको कभी भी कंपल्शन नहीं करते हैं कि नहीं तुझे यही पढ़ना है या वही पढ़ना है. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो अब ये समझ गए हैं कि आप उनका जो बच्चा है वो इतना समझदार हो गया है कि ये समझ सके कि उसके लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेटर है, बराबर है. फिर आपका लाइकिंग होगा तो मेडिकल के लिए चले जाते हैं, आपका लाइकिंग होगा तो इंजीनियरिंग के लिए चले जाते हैं, या फिर आप बीएससी लेते हो, या तो आप साइंस छोड़ देते हो, दूसरे स्ट्रीम को आप अपने एक्सेप्ट कर लेते हो. ये इसीलिए होता है क्योंकि आप बेटर वे से समझ सकते हो कि मेरा करियर अब कहाँ पे बनता है. तो यही है एज, जो हमने कहा है 18 इयर्स. साउंड माइंड यानी अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, वो उस स्टेट में होना चाहिए कि वो राइट डिसीजन ले सके. अनसाउंड माइंड के लिए मैं एक और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. हमारा जो लॉ है वो बताता है कि एक पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है वो कभी कभी साउंड माइंड का भी हो सकता है, और जो साउंड माइंड का है वो कभी कभी अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है. ये हमारे कोर्ट ने ही बताया हुआ है. तो ये देखा जाता है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट whether he was mentally stable or not, and if it is proved that he was mentally stable at the time of entering into a contract, then that contract will be treated as a valid contract. समझ में है? जब वो एंटर करता है तब उसका माइंड स्टेट क्या था, या हम लोग जिससे कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड क्या था, whether he was of sound mind और whether he was of unsound mind, ये देखा जाता है. और उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हुआ था वो वैलिड है या नहीं. ठीक है?
तो ये अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ही मस्ट बी ऑफ अ साउंड माइंड। एम्बेसी नहीं होनी चाहिए, एम्बेसी का मतलब क्या होता है, राजदूत। देखिए जो एम्बेसेडर्स रहते हैं, एम्बेसेडर्स जो है वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं जो कि उन्हें बताया गया है उनकी गवर्नमेंट, और वो दूसरे देश में जाके अपने जो लोग होते हैं वहाँ पे रहने वाले उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम या उनके बारे में अपनी गवर्नमेंट को बताने का काम करते हैं, इसलिए उनकी अपॉइंटमेंट वो देश में की जाती है। अब ऐसे लोग जो अपने यहाँ पे आए हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करना ये हर गवर्नमेंट का काम रहता है, उनका वो फ़र्ज है। अगर ऐसा फ़र्ज उनको दिया गया हुआ है तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि उनके साथ कोई भी बेईमानी नहीं हो, उनके साथ कोई भी अनफेयर मीन्स ना हो। तो गवर्नमेंट मैक्सिमम उनको प्रोटेक्ट करती है बाकी लोगों से, लेकिन अगर हम उनके अगेंस्ट में केस फाइल करना चाहते हो तो बोथ गवर्नमेंट यानी जिस गवर्नमेंट का वो एम्बेसी बन के आया हुआ है, एम्बेसडर बन के आया है वो, और जिस कंट्री में वो एम्बेसडर बन के रह रहा है उस कंट्री के गवर्नमेंट की आपको परमिशन लेनी पड़ती है इफ़ यू वांट टू फाइल अ केस अगेंस्ट दैट एम्बेसडर। इसलिए बेटर वे से यही होता है कि नॉट टू फॉर्म एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ एन एम्बेसडर। इसलिए एम्बेसडर को यहाँ पे कहा जाता है दैट ही इज़ नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी हो जाएगा, हम लोग और जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उसे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।